हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, आज बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है उसमें आज कोर्स फाइव जो आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट है बीएड फर्स्ट ईयर में सेशन 21-23 का एग्जाम हुआ है। समझे? देखिए क्वेश्चन जो आज आया था, अब देखिएगा तो मतलब पैटर्न जो होता है ना, आप 5 साल 6 साल पहले का क्वेश्चन देखिए। और देखिए दो यूनिट तो ठीक था जो आप लोग लिख सकते थे, एक यूनिट में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मतलब आप सोच कर भी कहिए कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन, सिलेबस में भी नहीं है, कोई मास्टर भी आपको, कोई बीएड कॉलेज से आप लोग होंगे वो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाया होगा। समझे? मतलब ये कोर्स फाइव का बात करें, मतलब कहाँ से ले आ रहा, कौन क्वेश्चन सेट करा उसको पता है कि नहीं, सिलेबस है कि नहीं है। समझे? तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 सेशन 21-23 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। समझे? यानी अपने विषय और अनुशासन को हमको समझना है। मैं क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे ऐसे, देखिए कौन पहला यूनिट में तो लिख सकते थे अनुशासन, आप लोग जान रहे हैं अनुशासन ज्ञान, अनुशासन वही हुआ कि अनुशासन से आप क्या समझते हैं, विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासन ज्ञान की भूमिका की परिचर्चा कीजिए, यानी व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन, डिस्कस द रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल कैरिकुलम। समझे? अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये सेकेंड ईयर में पढ़ना है, जो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है ये सेकेंड ईयर में पढ़ना है। समझे? बीएड सेकेंड ईयर में आप लोग जाइएगा तो आप लोग का कोर्स 8 जो है नॉलेज एंड करिकुलम, उसमें परिचर्या और पाठ्यक्रम पढ़ना है। देख मतलब क्वेश्चन का कुछ पैटर्न ही नहीं है। समझे? यूनिट 3 जो है, यूनिट ये तो लिख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स यूनिट 2 जो आपका है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए कि हमारे देश में 21वीं सदी में भाषा और गणित की प्रकृति में विभिन्न बदलाव की संक्षिप्त व्याख्या करें, यानी भाषा और गणित की जो प्रकृति थी उसमें क्या बदलाव किया गया उसके बारे में लिखना था। ये कहीं नहीं पढ़ना है आपको कोर्स फाइव में। समझे? पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन सेट किया था। अगला है सकारात्मकता के प्रकारों को स्पष्ट किया। देखिए अब ये भी कहूँ नहीं है क्वेश्चन, अब आप लोग लिखे ही होंगे सतर्कता मतलब पॉजिटिव के बारे में लिखना था तो ये लिख लिए होंगे 4 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो गया। यूनिट 3 जो है आपका, देखिए वही चीज़ है, शैक्षिक अनुशासन जो आपके अनुशासन है वही क्वेश्चन फिर घुमा कर पूछ दिया है कि शैक्षिक अनुशासन की प्रकृति का उल्लेख करें। समझे? तो ये आप लोग लिख लिए होंगे। और एक क्वेश्चन तो आपका ये भी आप लोग का पिछले साल आया भी था लेकिन सिलेबस में अनुशासन संप्रेषण पढ़ना है कि संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया का वर्णन करें। समझे? तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन क्वेश्चन जो यूनिट का, जो यूनिट 2 का जो सेट किया, आप कोई भी कॉलेज में आप पूछ लीजिए, आपके अपने कॉलेज के सर से भी पूछिएगा जो लोग पढ़ाते हुए कोर्स है कि ये 2 क्वेश्चन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ये तो चलिए ये पटचरिया वाला मान लेते हैं कि सेकेंड ईयर में है, चलिए तो एक क्वेश्चन तो आया, लेकिन यूनिट 2 जो है मतलब कुछ आता पता नहीं। एक होता है ना सिलेबस से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ नहीं, और प्रीवियस ईयर रिपीट करते चलिए ठीक है, लेकिन एक सिलेबस से होना चाहिए। समझे? तो पता ही नहीं कहाँ से क्वेश्चन ले आ रहा है। ठीक है, कल आप लोग का बंद है, परसों कोर्स 6 का एग्जाम होगा, फिर मेथड है, फिर आपका C1 है जो चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग ऑफ सब्जेक्ट। तो आपका कोर्स 6 जो है तो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, वो तो अपना पूछो क्वेश्चन पूछेगा लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके समाज से रिलेटेड चीज़ है तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं सबसे। लेकिन आपका ये कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट है, आपका जो कोर्स 5 है, चलिए ये भी एग्जाम अच्छा से आप लोग का चल गया होगा। देखिए अब कब तक, अब अगला जो कोर्स है उसमें कैसा क्वेश्चन आता है। समझे? थैंक यू।